डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, गाइस, आज मैं जाऊ पोथिंग गांव में जो बागेश्वर से आगे है। गाइस, मैं अपनी नानी को पोथिंग गांव में छोड़ने जाई हूँ। गाइस, मैं अपनी नानी को छोड़ के अन्य गांव जाऊंगी, कम गांव जो रानी खेत के पास है। गाइस, अभी मैं देहरादून से निकल चुकी हूँ। अब आप ऋषिकेश से देख प्रयाग पहुंचने वाले। गाइस, हम देख प्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दो नदियों का संगम है। क्या आप जानते हो दो नदियाँ कौन से है? ये दोनों नदियाँ है भागीरथी और अलकनंदा। जिस नदी का पानी हरे रंग का दिखाई दे रहा है वो है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। गाइस, अब हम देख प्रयाग से निकल गए श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। गाइस, आप मेरे साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज देखे और ऐसे ही ब्यूटीफुल व्यूज देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहे। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। Now I'm going to reach at Jai Mata Temple. Bye, Opa! Bye, Maya Kita! Jai Mata Di! Jai Mata Di! Bye, Maya Kita! Guys, अब हम जाई मैया मंदिर पहुंच चुके हैं। आप मेरे साथ बोलो जय जाई मैया, जय जाई मैया,
गाइस साईं मैया का मंदिर श्रीनगर और युद्धप्रयाग के बीच में है। गाइस ये जो आप नदी देख रहे हो ये अलकनंदा नदी है। गाइस क्या आपको पता है साईं मैया को उत्तराखंड का यक्षत भी माना जाता है। गाइस अब हम युद्धप्रयाग पहुंच चुके हैं। गाइस अब हम युद्धप्रयाग से होते हुए कंपप्रयाग पहुंचेंगे। गाइस बी विद मी एंड कीप वाचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यूज, beautiful mountain, beautiful river, and my beautiful Uttarakhand. Guys, अब हम पहुंच चुके हैं कंपप्रयाग। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ग्वालधाम। अब हम ग्वालधाम से बागेश्वर जाएंगे। गाइस हम सुबह 6 बजे निकल गए थे देहरादून से। गाइस हमारा सफर बहुत लंबा था और टाइम था, पर मैं एंजॉय भी किया। मैं थोड़ी देर सो भी करती, मैं खाया भी, पिया भी, खाना भी खाया और मैंने एंजॉय किया। मैं यहाँ भी घूम रहा था। गाइस अब हम घरवाओं से निकल कर गवाओं में पहुंच गए।
पहुंच चुके हैं बागेश्वर, जो है बागनाथ की नगरी। गाइस, बागेश्वर को पार करते हुए हम कोटबेल पहुंचे। गाइस, यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, आप भी घूमने के लिए आए। पार घूमा जरूर आया, कोई कबार छल पर आया। इसका मतलब है आप पहाड़ घूमने जरूर आए पर कोई कबार नहीं फयाए। गाइस, पतंग गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, तब ऐसे आगे का व्लॉग नहीं बना पाए। अब मैं आपको पतंग गांव सुबह दिखाऊंगी। अब हम पतंग से कामा गांव का सफर नेक्स्ट व्लॉग में तय करेंगे। सो गाइस, कीप वाचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, या चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे उत्तराखंड में।